नमस्कार, मेरा नाम है सी आशुतोष लिमये। ज्ञान विष्णु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके हम तीन चार वीडियो की एक सीरीज बनाते हैं और उसमें पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हर बिजनेस में पैसे की कितनी जरूरत होती है। आपको फैक्ट्री बढ़ानी हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या पुरानी मशीन की जगह पे कोई नई मशीन लेनी हो, पैसा तो लगता ही है। अब ये पैसा आप खुद का भी लगा सकते हो या किसी इन्वेस्टर का लगा सकते हो या बैंक से लोन भी ले सकते हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिजनेस में इन्वेस्ट होने वाले हर पैसे की एक कॉस्ट होती है। अगर आप आपका पैसा बिजनेस में नहीं लगाते तो आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाते या बैंक के फिक्स डिपॉजिट में लगाते या कुछ नहीं तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता, लेकिन हर हाल में उससे इंटरेस्ट आता। तो यही पैसा अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट छोड़ देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक कॉस्ट हो गई। वैसे ही बैंक लोन की एक कॉस्ट होती है। तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम अलग अलग सोर्स से पैसा लाते हैं और उसको बिजनेस में लगाते हैं। तो ये अलग अलग सोर्स से लाए वाले पैसे की जब हम एक कंबाइन कॉस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बिजनेस डिसीजंस में यूज कैसे होता है, यही सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं फिर। FM Concepts, Cost of Capital, Lecture 1, Introduction। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, तो उसे जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो जैसे हम बोलते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी, माने हमारे को प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, अलग अलग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो है लगभग 100 लाख। अब ये 100 लाख की इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से लाएंगे, उसके लिए अलग अलग सोर्सेस है। तो वो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन से सोर्सेस है। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बिजनेस की, तो सबसे पहले तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ओनर, माने जिसकी वो कंपनी है वो खुद उसमें पैसा डालता है। तो इस हमारे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो शेयर कैपिटल है, माने जो कंपनी के ओनर है वो कितना डालने वाले हैं, तो वो 40 लाख की इन्वेस्टमेंट इस 100 लाख के प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। 40 लाख की इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से आएगी। अब जो भी कोई अपना पैसा बिजनेस में लगाता है तो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है तो वो 12% रिटर्न, माने वो जितना पैसा बिजनेस में लगा रहे 40 लाख, तो उसमें से वो चाहते हैं कि कम से कम 12% पर एनम तो उनको रिटर्न मिले। उसके बाद जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी या प्रोजेक्ट की टोटल रिक्वायरमेंट थी वो थी 100 लाख, उसमें से अभी सिर्फ हमारे को 40 लाख आया है, तो जो बैलेंस 60 लाख है तो वो जो है वो हम लाएंगे डेट फंड से। तो डेट फंड माने हम किसी बैंक को अप्रोच करेंगे और उस बैंक से हम लोन लेंगे, तो लोन अमाउंट हमारी रहेगी 60 लाख। ये जो लोन लिया है हमने 60 लाख का, उसकी जो कॉस्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट वो है 6%। माने इसका मतलब ये हो गया कि 40 लाख की जो हमने शेयर कैपिटल लगाया है उसके लिए एक्सपेक्टेशन थी इक्विटी शेयर होल्डर की 12%, तो ये जो 12% एक्सपेक्टेशन है इक्विटी शेयर होल्डर की वो एज अ कंपनी के लिए क्या है, दैट इज अ कॉस्ट। वैसे ही जो लोन लिया है उसके ऊपर 6% जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो भी एक कॉस्ट ही हो गई। अब अगर हम जानना चाहे कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 100 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके लिए कंपनी को कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है, माने तो ये कॉस्ट अगर हमारे को निकालनी है तो हमारे को दो अलग अलग सोर्सेस है, तो दोनों सोर्सेस का प्रोपोर्शनेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इक्विटी से ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है 40 लाख की, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है 100 लाख,
और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है या जो कॉस्ट है वो है 12%, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनेट हमारे लिए हो गया 4.80 लाख, ये हो गया इक्विटी पोर्शन का। वैसे ही जो डेट पोर्शन है उसका जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है वो हो गया 3.6%, मैं 60 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आया उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो हमने अभी इस एग्जांपल में समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको ही थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है कि रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, माने जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो फाइनेंस लगाता है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या उसको अदर वर्ड्स में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फाइनेंसर उस खुद का पैसा बिजनेस को देता है यूज करने के लिए बिजनेस में, तो वो पैसा यूज करने के लिए हम उसको जो कंसिडरेशन देते हैं उस कंसिडरेशन को भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, 10%, 8%, 12%। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, हर्डल रेट या कट ऑफ रेट माने क्या है। हर्डल माने बीच में आई वाली कोई रुकावट, तो इसमें रुकावट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कम से कम इतना रिटर्न है कि उतना अगर हम नहीं कमाएंगे बिजनेस से, माने मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 10%, तो अगर किसी प्रोजेक्ट से हम 10% भी नहीं कमा सके तो वो प्रोजेक्ट करने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर हम लॉस में जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो जितना भी हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं फाइनेंसर के से लेके, तो उसकी उतनी कॉस्ट है, अगर इतना ही हम रिकवर नहीं कर रहे तो बिजनेस करने में कोई पॉइंट नहीं है। तो इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें हेल्प भी करता है प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग में। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, कि हम जहां जहां से हमारे पास जो पैसा आता है, तो उसको हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब हमने देखा कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दो तरीके के होते हैं, एक है ओनर्स फंड, दूसरा होता है लोन या डेट फंड। अब जो ओनर्स फंड है उसका सब डिविजन होता है, सबसे पहले होता है इक्विटी कैपिटल। अब ये इक्विटी कैपिटल क्या होता है, तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनका जो कैपिटल है, वो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। उसके बाद होता है रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या है, तो अगर हमारी कंपनी एग्जिस्टिंग है, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है और वो प्रॉफिट कंपनी ने रिजर्व बोल के रखा है, तो ये प्रॉफिट कंपनी नए नए प्रोजेक्ट में यूज कर सकती है, बिकॉज वो क्या है, वो कंपनी ने अर्न किए वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन फ्यूचर एक्सपांशन के लिए कंपनी ने साइड में रखा है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे लिए। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो भी एक तरीके का कैपिटल है, माने प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो भी कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन इनमें और इक्विटी शेयर होल्डर में इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो उनको फिक्स परसेंटेज मिलता है कि डिविडेंड उनको कितना मिलेगा, वो ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे लिखे वाला रहता है, उनका जो शेयर रहता है उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि 11% या 10%, ऐसा उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, और उनको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड पेमेंट में भी, और दूसरा जब कंपनी लिक्विडेट होती है वो टाइम पे भी उनको प्रेफरेंस मिलता है, पहले कैपिटल उनका रिटर्न होता है। तो ये था ओनर्स फंड। उसके बाद आता है लोन फंड। अब हम जब लोन फंड बोलते हैं तो लोन फंड में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो लोन फंड में आता है डिबेंचर और बॉन्ड। उसके बाद जो हम बैंक से बोरोइंग लेते हैं वो भी लोन फंड का या डेट फंड का ही पार्ट होता है। अब ये जो हम अलग अलग सोर्स से फंड रेज करते हैं, तो उनको हम जो कंसिडरेशन देते हैं, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को जो कंसिडरेशन देते हैं,
उसको हम बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड, माने इक्विटी शेयर होल्डर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसके रिटर्न में या एज अ कंसिडरेशन हम उनको क्या देते हैं, इक्विटी डिविडेंड देते हैं। वैसे ही जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं उनको जो कंसिडरेशन हम वापस देते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। और जो डेट फंड से हम पैसा लेते हैं और वो बिजनेस में लगाते हैं तो उनको जो कंसिडरेशन देते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इतनी ये जो अलग अलग सोर्स से हमने जो फंड अवेलेबल किए हैं बिजनेस में उसको जो हम कंसिडरेशन देते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने ज्ञान विष्णु सी ए अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में कुछ पूछना है या आपके कुछ प्रश्न हैं या आप चाहते हैं कि हम फाइनेंस के किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमारा मेल आईडी है dnyanvishnucaa@gmail.com। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।